Tchau. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. So दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 17वें जो लोकसभा इलेक्शन है वो हो चुके हैं हमारे खत्म, और खत्म होने के बाद में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा जिसके अंदर काफ़ी सारी जानकारी होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर, जिसके अंदर आपको कई सारे फैक्ट्स है जो कि अवेलेबल होंगे 17th लोकसभा से रिलेटेड, या फिर वो क्वेश्चन जो कि लोकसभा से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकते हैं. तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें करेंगे हमारे 17वें लोकसभा के विनर्स के बारे में, उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कई सारे महत्वपूर्ण सवाल. उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आपको देश के हर एग्जाम के अंदर जो है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा. ये सारी बातें दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए, और आने वाले 6 महीने तक जितने भी आपके एग्जाम होंगे उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कल रिजल्ट घोषित हो चुका है, और 542 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसके ऊपर रिजल्ट घोषित हुआ है, और यहां पे मेजॉरिटी के अंदर बीजेपी ने 303 सीटें जो है उनके ऊपर जीत हासिल कर ली है, और कुछ जगह पे लीड हासिल कर ली है क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लगता है. टोटल परसेंटेज जो है वो 37.5% है, जो कि 1980 के बाद में पहली बार हुआ है कि इतने वोटिंग परसेंटेज जो कि बीजेपी को मिले हैं. शिवसेना 18 सेकंड नंबर पे, जनता दल 16, ठीक है. इनके गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में AIADMK 1 और अदर्स ने 12. यूपीए की बात करें दोस्तों, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. तो इन्होंने टोटल 90 सीटें, जिसमें कांग्रेस की 52, डीएमके की 23 है, एनसीपी की 5 और अदर्स की 10 सीट. अगर मैं कितना वोट परसेंटेज इनको मिला है तो बहुत कम मिला है, कांग्रेस को 19.6% मिला है, ठीक है. एक दो सीटें इसमें ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ एक जो लास्ट के तक रिजल्ट जो आते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे एक दो सीटें जो कि ऊपर नीचे हो सकती है, उसका लोड मत लीजिएगा. ओके, तृणमूल की बात करें तो 22 सीटें, YSRCP ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और आंध्र प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया, और TDP पार्टी को वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हराया है, ठीक है. तो यहाँ पे 22 सीटें इनके पास है, BJD के पास 13 सीटें, उड़ीसा बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया. BSP और सपा के लिए बड़ा सेटबैक, 15 सीटें मात्र, 6.3% की वोटिंग इनको मिला है. TRS को 9 सीटें और लेफ्ट फ्रंट को 5 सीटें और अदर्स को 16 सीटें. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों टोटल वोट शेयर जो है एनडीए को 43.86% है, यूपीए को 25.81 और अदर्स को 30. कि यूपीए से ज़्यादा भरोसा जो है वो बाकी पार्टियों के ऊपर, जो कि बाकी पार्टी जिन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया है उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है जो कि दिखाया गया है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा सीट शेयर है बीजेपी का लोकसभा के अंदर, फिर ये वाले जो है वो कांग्रेस यूपीए है, और उसके बाद में ये नॉन अलाइंड है. आगे बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं. मैंने आपको द हिंदू के अंदर कल भी पढ़ाया था, और आज भी 8 बजे आपको क्लास ज्वाइन करनी है, 8 बजे आपकी क्लास है, ठीक है. रिजल्ट की बात करें 2014 में दोस्तों, ये था आपको जो कलर नजर आ रहा है सैफ्रोन कलर, ये बीजेपी का कलर था. और अगर इस बार देखोगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक सैफ्रोन कलर है जो कि आपको देखने को मिलेगा. सेकेंड नंबर पर जहाँ पे ब्लू कलर नजर आ रहे हैं ये है कांग्रेस दोस्तों, जहां जहां पे आपको लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है, ठीक है. और रिकॉर्ड ब्रेकिंग विन इस बार देखने को मिली है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग. ये देखिए किस तरीके से जो शेयर है वो ऊपर की तरफ गया, और कांग्रेस जो है, ठीक है, 85 के बाद से जिस तरीके से डगमगाती हुई नीचे जा रही है, ये दोनों जो है ग्राफ आपको यहां पर बता रहा है. ओके, तो यहां पर मेजरली दो ही कलर नजर आपको, एक TRS पार्टी जरूर यहां पर तेलंगाना के अंदर नजर आ रही है आपको पीले कलर के अंदर,
इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा मेजरली और यहाँ पे अगर बात करें आंध्रा की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है जो कि यहाँ पे एक ठीक है रेड्डी की पार्टी ने यहाँ पे दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ओके चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़र्क जो है समझ में आ गया होगा, काफ़ी बड़ा फ़र्क है। इस बार दोस्तों चार राज्यों के अंदर जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ है, यानी कि यहाँ पे लोकसभा के भी इलेक्शन हुए हैं और साथ में यहाँ पे विधानसभा के भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, चार राज्यों के अंदर। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि चार राज्य कौन कौन से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों बीजेपी ने यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस देके वहाँ पे अपनी सरकार बना ली है, पेमा खांडू जी ने 31 बीजेपी की सीटें जो कि अरुणाचल प्रदेश में, आउट ऑफ 49 जनता दल यूनाइटेड 7, कांग्रेस 4। उड़ीसा की बात करें तो बीजेडी 113, बीजेपी 22। तो बीजेडी जो है नवीन पटनायक की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे उन्होंने इस बार फिर से जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लोगों को बड़ा ही अजीब लगेगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो टाटा बाय बाय हो चुके हैं, और जो कि एक नॉन बीजेपी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी उन्होंने, काफ़ी दर दर पे ठोकरें खाई, लेकिन खुद की सीट भी नहीं, खुद का जो राज्य है वो भी नहीं बचा पाए। तो वाईएसआरसीपी देख सकते हो 150 सीटें, जगमोहन रेड्डी ने 150 सीटें यहाँ पे हासिल करी, टीडीपी मात्र 24 सीटें यहाँ पे हासिल कर पाई है। और सिक्किम की बात करें तो 24 साल से राज करने वाले पवन चांबलिंग भी इस बार अपना जो किला है वो नहीं बचा पाए, और एसकेएम जो पार्टी है उन्होंने 17 सीटें जीती है, और एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि पवन चांबलिंग की थी वो 15 सीटों के साथ ही यहाँ पे रह गई है, टोटल यहाँ पे 32 सीटें हैं। ओके तो यहाँ पे 17-15 से 2 सीटों से पीछे रह गई है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आज़ादी की बात करूँ ना, तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के बाद में नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ये तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने सेकेंड टर्म मेजॉरिटी हासिल करी है लोकसभा में। आज तक नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने ही दूसरी बार लगातार मेजॉरिटी हासिल करी है। देखिए, हमारे जब 51-52 में पहली बार इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे पंडित नेहरू जी ने ना 3/4 सीटें जो है लोकसभा की जीत ली थी। 1957 के जब इलेक्शन हुए, ठीक है, और 62 के इलेक्शन हुए, तब भी क्या हुआ था, मेजॉरिटी से नेहरू जी ने इलेक्शन जीत लिए थे क्योंकि सामने अपोजिशन जो है वो ना के बराबर ही था। आप देख सकते हो 51-52 में 364 सीटें हैं जो कि 489 में से आई थी, जो कि 45% था टोटल वोटर्स का। नेहरू जी ने दोस्तों वापस से 57 में 371 सीटें जीती, वापस से काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और ठीक है वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर कर दिया गया। उसके अलावा नेहरू जी की डॉटर जब इंदिरा गांधी जी ने 1967 में इलेक्शन लड़ा तो भी दोस्तों मेजॉरिटी जीती, इसमें से 283 सीट यहाँ पे देखने को मिलती है हमको। 69 में क्या होता है, 67 के बाद में इंदिरा गांधी जी ने अपने जो बहुत ही पुराने ओल्ड गार्ड थे पार्टी के, मोरारजी देसाई, उनको एक्सपेल कर दिया, और उसके बाद में मोरारजी देसाई ने दोस्तों कांग्रेस के ऊपर ज़बरदस्त जो है आंदोलन या बोल सकते हैं प्रोटेस्ट या फिर एक स्ट्रेटेजी वो प्लान करी। इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 71 के अंदर उनको 352 सीटें मिलती है इस स्लोगन के और उनके काम के वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये लोकसभा सीट का आपका डाटा है 1967 का। मैं आपको दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो आपके लोकसभा के इलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ और दूसरा मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब 1967 के इलेक्शन होते हैं तो INC को रिप्रेजेंट करती है इंदिरा गांधी जी, और राजगोपालाचार्य जी ने पार्टी बनाई थी स्वतंत्र पार्टी। यहाँ पे 283 आई इंदिरा गांधी जी के पास और 44 सीटें स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचार्य जी के पास में उस टाइम पे आई थी 67 के टाइम पे। वक्त आगे बढ़ता गया और कांग्रेस आगे बढ़ती गई, बीजेपी काम एक बार जो इमरजेंसी के बाद में ज़रूर आई थी, मोरारजी देसाई लेके आए थे, लेकिन ज़्यादा कभी होल्ड नहीं रहा। 2004 में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भी 181 NDA के पास और UP के पास में 218 सीटें आती है, और वापस से ये अपनी सरकार बनाते हैं। 2009 के अंदर फिर से सरकार बनाते हैं और 262 सीटें जो है UPA के पास में आती है और NDA के पास में फिर कम पड़ जाती है। इस बार दोस्तों जब मैं 2014 की बात करें तो 159 से सीधे जंप करके 336 सीटें, और बीजेपी 282 के साथ मेजॉरिटी और कांग्रेस जो है वो 59 सीटें, और कांग्रेस अपना 44 सीटें लेके आती है सिर्फ, मतलब अपना जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से
करप्शन, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था केजरीवाल जी का जन लोकपाल को लेकर, उसके अंदर सारे के सारे सफाया हो गए और बहुत बुरे हालात हुए और एक अपोजिशन भी नहीं बना पाए। उसके बाद आपको मालूम है दोस्तों 2019 के अंदर, अभी मैंने आपको बता ही दिया है, 350 के आसपास एनडीए की सीटें हैं, तो इस बार वापस से काफ़ी आगे जो है एनडीए बढ़ गया है। तो ये था दोस्तों एक एनालिसिस जो कि आपके लोकसभा के इलेक्शन का था। अब देखते हैं कई सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में, आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, प्रथम चरण का चुनाव किस तारीख को शुरू किया गया था? यह आपको जवाब देना है। प्रथम चरण का, देखिए दोस्तों आपका पहला जो फेज हुआ था इलेक्शन का वो 11 अप्रैल को हुआ था, आपको याद होगा। अगला सवाल, किस चरण में सबसे अधिक सीटें आवंटित करी गई थी? सबसे ज्यादा सीटें जो है वो कौन से वाले फेज में थी, और ये कौन सा था दोस्तों? फेज 3 था, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आवंटित करी गई। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में होगा, ये आरआरबी जेई का सवाल है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है। कितने चरण में हुआ है दोस्तों? टोटल 7 चरण के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। लगभग कितने लोग इस चुनाव के लिए पहली बार मतदाता हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स? और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स सारे के सारे जो है ये पीएम मोदी के फेस के ऊपर इन्होंने वोट डाले और काफी बड़ा फायदा जो है वो पहुंचाया। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो 13 करोड़ लोग थे दोस्तों जो कि इस बार नए जुड़े थे। यह लोकसभा कौन सी है? सबको पता है 17वीं लोकसभा है। अगला सवाल, वीवीपैट में एक का मतलब क्या है, बताइए दोस्तों? वीवीपैट जो है उसके अंदर एक का मतलब क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यह इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म है, जो कि क्या करती है, मेथड है, प्रोवाइड करती है फीडबैक वोटर्स को कि उन्होंने कौन से किसको वोट दिया है। वोटर जो है वेरीफाई कर सकता है कि उसने किसको वोट दिया है, उसको लेकर बनाया गया है ताकि फ्रॉड रोक सके इलेक्शन के अंदर, माल फंक्शन रोक सके, ओके, और स्टोर कर सके जिन्होंने भी किसको वोट दिया है, समझ गए? और आपका क्या आता है, पर्ची बार आती है जिसने आपको वोट दिया होता है, समझ गए? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑडिट, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑडिट, लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बात करें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में बात करें तो मैं आपको कुछ बातें और बताया। 2014 के अंदर क्या हुआ था कि वीवीपैट सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया, 543 में से जो है ना 8 जगह पे जो है इसको अप्लाई किया गया था पार्लियामेंट्री के अंदर, ठीक है? इसको लखनऊ के अंदर, गांधीनगर, बैंगलोर साउथ, चेन्नई सेंट्रल और भी कई जगह पे इसको इंप्लीमेंट किया गया, रायपुर, पटना साहिब, मिजोरम, इन जगह पे इसको इंप्लीमेंट किया गया था, 8 जगह पे इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है? पहली बार 2013 के अंदर नॉक्सन के असेंबली इलेक्शन थे नागालैंड के अंदर, वहां पे यूज किया गया था, ओके? फर्स्ट यूज जब हुआ क्या था 2000, पेपर में पूछेंगे आपसे पहली बार इसको कब यूज किया गया, तो 2013 के सितंबर के अंदर क्या हुआ था, एक नॉकरन नाम की जगह है, नॉक्सन नाम का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नागालैंड के अंदर हुए थे इलेक्शन, समझ गए? तो वहां पे इसको कराया गया था, ओके, वहां पे इसको करवाया गया था, ठीक है? तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और उसके बाद में लार्ज स्केल में यूज किया गया, मिजोरम के भी 40 में से 10 असेंबली इलेक्शन में 2013 में यूज किया गया, गोवा में यूज करे गए, उसके बाद पूरे देश के अंदर इसको यूज करना चालू कर दिया गया था, ठीक है? और इस बार तो आपको मालूम होगा 20,000 ईवीएम के साथ में जो है वो यूज करने के लिए बोला गया था, ठीक है? तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? ईवीएम का इस्तेमाल, वीवीपैट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, ईवीएम के बारे में बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जवाब जो है थोड़ा सा आपका यहां पे क्वेश्चन अलग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये पहली बार कहां पे, केरला के अंदर इसको काम में लिया गया था दोस्तों, और स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और साथ में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने इसको 1990 के अंदर बनाया था, समझ गए मेरी बात? और 1998 के अंदर इलेक्शन में इसको पहली बार, और साथ में 2001 के इलेक्शन के अंदर इसको पहली बार काम में लिया गया था, ओके? और उसके बाद 2004 से इसको काम में लेने लग गए, ठीक है? तो ये बात भी आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ओके? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
ईवीएम के उपयोग की अनुमति देने के लिए किस संसद ने किस वर्ष एक कानून पारित किया? कौन से वर्ष है जो कि कानून पारित किया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन से वर्ष जो है वो कानून पारित किया गया था। आंसर क्या होगा? 1988 के अंदर दोस्तों एक लॉ लेके आया गया था, इसको लेकर ईवीएम को यूज करने को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का उपयोग करने वाला पहला चुनाव है? पहला चुनाव जहां पे ईवीएम के साथ में वीवीपैट यूज करी गई दोस्तों 2019। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नोटा किस वर्ष में शुरू किया गया था? नन ऑफ द अबव। किसी को भी वोट नहीं देना होता है तो नोटा दबाना होता है, लेकिन दोस्तों अगर कल को वोट नोटा को मिलते हैं 20% वोट और बीजेपी को मिलते हैं मान लीजिए 15% वोट या 12% वोट और कांग्रेस को मिलते हैं 11% वोट, तो दोस्तों नोटा को दोस्तों विनर घोषित नहीं करते हैं, बीजेपी विनर घोषित हो जाएगी इस केस के अंदर, है ना। नोटा तो है, एक ऑप्शन है सिर्फ ये बताने का कि ये दोनों ही लीडर जो है वो नकारा है, अगली बार आप इनको मत उतारिएगा क्योंकि हम लोग को नोटा पसंद है, तो अगली बार इलेक्शन के अंदर पार्टियों को मदद मिल जाती है कि इन लीडर को नहीं उतारना है ना, इसलिए नोटा का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से मत पत्र का उपयोग करके वोट कर सकता है, पोस्टल बैलेट का उपयोग कौन कर सकता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सैन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मी और चुनाव ड्यूटी कर्मी जो कि अपनी जगह पर नहीं रह पाते अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं? पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है, आप सभी को मालूम है, और राज्यसभा का 6 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर है उनका, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है वैसे, राज्यसभा तो परमानेंट है और लोकसभा जो है वो टेम्पररी, लेकिन सदस्यों की बात करें तो सदस्यों का 5 साल हो गया और राज्यसभा के 6 साल हो गया। 1/3 लोग हर 2 साल के अंदर रिटायर होते हैं। भारत में मतदान की आयु कितनी है? जैसा कि आपको मालूम है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके द्वारा क्या किया गया था, 21 साल से घटा के 18 साल वोटिंग की एज है जो कि कर दी गई थी। चुनाव आयोग के इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, तो आपका आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में चुनाव आयोग होगा? तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है और अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। लोकसभा के चुनाव हर बार आयोजित करे जाते हैं, कितने साल में? 5 साल में। काफी सिंपल सा सवाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में किसका चुनाव नहीं होता है? देखिए एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सेंटर के होते हैं, तो यहाँ पे सेंटर की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वीपी के इलेक्शन और साथ में आपके राज्य के विधानसभा के इलेक्शन, ठीक है, साथ में आपके एमपी के इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन कराए जाते हैं। ओके, तो ग्राम पंचायत का जो होता है वो क्या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो उसकी देखरेख के अंदर कराए जाते हैं जो लोकल म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत के होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल भी पेपर में पूछते हैं, तो कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे कितना, 6 साल का या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए ये उनका कार्यकाल होता है। आगे बात करते हैं, चुनाव 2019 के लिए मतदान हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जो कि दिया गया था दोस्तों इस बार? आंसर क्या होगा? 1950 ये नंबर है जो कि हेल्पलाइन नंबर दिया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर आपको बताना है किसको बनाया गया था दोस्तों इस बार, तो इस बार श्याम शरण नेगी जी है जिनको बनाया गया था। ठीक है, श्याम शरण नेगी जी को बनाया गया था। अगला सवाल है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त आप सभी को मालूम है, सुनील अरोरा जी हैं। आगे बात करते हैं, चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो एक सी विजिल नाम का ऐप लॉन्च किया था ताकि जांच पड़ताल कर सके कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है या गलत तरीके से भाषण तो नहीं दे रहा है, इन सब चीजों को लेकर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? सभी को मालूम है इंडिया दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अगला सवाल आपका, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, आप सभी को मालूम है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर जो है लोकसभा की जो सीट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितनी सीटें हैं दोस्तों, कितनी सीटें हैं जल्दी से बताइए, और पिछली बार भी जो है काफी जबरदस्त जो है
काफ़ी ज़बरदस्त बीजेपी ने जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, और इस बार भी दोस्तों नियर बाय 50 के 60 के आसपास सीटें हैं जो कि उनके द्वारा जीती गई। यूपी की लोकसभा की सीट की अगर हम बात करें तो काफ़ी 80 पार्लियामेंट्री सीट है यूपी के अंदर। ओके, 80 पार्लियामेंट्री सीट अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए बोलते हैं प्रधानमंत्री बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो उत्तर प्रदेश 80 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला राजस्थान में कितनी है, 25 है। लोकसभा चुनाव 2019 में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है बताइए भाई, कुल संख्या कितनी रही है इस बार ये आपको बताना है। और 543 टोटल, 543 है जो कि टोटल रही है, और दो लोग जो है वो आपको मालूम है नॉमिनेटेड होते हैं, तो 545 टोटल हमारे यहाँ पे सीट है। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। अरे भाई टोटल कुल संख्याओं की बात करें तो 90 करोड़ वोटर भारत में जिन्होंने इस बार जो है लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ है। अगला सवाल देखते हैं, 2019 में मतदाता केंद्र की कुल संख्या लगभग कितनी है। मतदाता केंद्र की अगर मैं बात करूं तो इस बार 23, ठीक है। ओके, कितने टोटल नंबर यहां पे बात कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 10 लाख पोलिंग स्टेशन जो है इस बार यूज करे गए हैं, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन भी पेपर में आता है तो स्पीति वैली के अंदर है दोस्तों, ठीक है। क्या नाम है, तैशीगैंग, 15,000 फीट से भी ऊपर है, तो तैशीगैंग नाम का जगह हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में, तो वो सबसे हाईएस्ट भी है, 15,000 फीट के ऊपर है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और 10 लाख पोलिंग स्टेशन है टोटल। अगला सवाल देखते हैं, सनी देओल किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, तो सनी देओल आपको मालूम है गुरदासपुर, ठीक है, जाखड़ जी को उन्होंने वहाँ पे हराया है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की कुल लोकसभा सीटें कितनी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे भी ज़्यादा है, 42 सीटें हैं, और टीएमसी को बहुत भारी झटका इस बार देखने को मिला है। निम्नलिखित में से किस चरण में सर्वाधिक राज्यों के लिए वोट डाले गए थे, तो सर्वाधिक राज्य तो चरण वन जो है उसमें सबसे ज़्यादा राज्यों के ऊपर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के वास्तविक समय के रुझान और परिणाम को देखते कौन सा एप्लीकेशन शुरू करा गया था, तो दोस्तों वोटर हेल्पलाइन नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि शुरू किया गया था, जिससे रियल टाइम में आप देख सकते हो कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है। आम चुनाव 2019 के लिए मत प्रतिशत कितना है, तो वोटिंग परसेंटेज गया है दोस्तों, वो गया है 67.11, और 1951 में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपको जान के हैरानी होगी, मात्र 45.67% है, ठीक है, जो कि हुआ था। और 2019 में आप देख सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी मेहनत करी है इस 20% को 22% को बढ़ाने में। 2014 से 2019 के बीच सबसे अधिक मतदान किस राज्य में हुआ था, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं मतदान की तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों हुआ था। मतदान के संदर्भ में सबसे बड़ी गिरावट किस राज्य को देखने को मिली, सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिली है, बहुत कम लोगों ने जो है वहाँ पे वोटिंग करी है। चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया, हाईएस्ट टर्नआउट, हाईएस्ट टर्नआउट जो देखने को मिला है वो लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिला है। निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द किया गया था, तो कहाँ पर रद्द किया गया था दोस्तों, वेल्लोर के अंदर इसको रद्द किया गया था। अगला सवाल है आपका, 2014 और 2019 के चुनाव के बीच मतदान अंतर कितना है, तो देखिए कम अंतर है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करी भी गई है, बढ़ना ही अपने आप में बड़ी बात है, तो 1.16% है जो कि अंतर है। इस बार 67.11 है, पिछली बार 66 था। आगे बात करते हैं, 2000 चुनाव में मत प्रतिशत क्या था, तो यहाँ पे बात करें तो 65.95 था, 65.95 था पिछली बार के अंदर। निम्नलिखित में से किस तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हुआ, प्रचार समाप्त हुआ दोस्तों 17 मई को प्रचार है जो कि समाप्त किया गया। और आपका लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए थे, तो मैंने आपको चार नाम बताए थे, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के अंदर, और साथ में अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये सारे थे आपके महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक आपको सवाल और देख के भी जा रहा हूँ जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ठीक है, और आपको बताना है इस होमवर्क के तहत कि भारत ने
के द्वारा कौन से देशों ने जो है वो ईवीएम खरीदी है, भारत से जो है कौन से देशों ने जो है वो ईवीएम परचेज करी है, ये आपको बताना है, ठीक है। और पिछले 2014 के इलेक्शन के अंदर एक देश था जिसने खुद के इलेक्शन के अंदर भी भारत वाली जो ईवीएम है वो काम में ली थी। तो चार ऐसे देश है जिनको भारत ने ईवीएम बेची है, ओके, जो खुद की बनाई हुई ईवीएम है वो बेची है। तो आपको इनको चार राज्यों के, चार देश के नाम जो है वो बताना है, कौन सा ऐसे देश है जिनको भारत ने ईवीएम जो है वो बेची है, ओके, इंडिया से उन्होंने परचेज करी है। तो दोस्तों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और उम्मीद करता हूँ कि 8 बजे वाला सेशन भी आप जरूर देखेंगे, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ है जो कि हम सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।